एनआरओ लेके, यानी केसेस माफ करवा, यहां के माफ करवा लिए। कोई पॉलिटिशियन दुनिया के अंदर ये नहीं कर सकता। जरदारी ने भी माफ करवाया, नवाज शरीफ ने भी, ये जो हुदायबा पेपर मिल था वो पीछे हट गया मुशरफ, वो ओपन एंड शट केस था। इसहाक डार की 164 वाली रिटन स्टेटमेंट है कि कैसे उनके लिए पैसे चोरी करके बाहर लेके जाता था, तो उसमें इन्होंने उड़ जाना था, तो वहां बच गया है। एनआरओ मिल गया, ये जरदारी बच गया। इसके $60 बिलियन स्विट्जरलैंड में पड़े हुए थे, सरे महल वो बिक गया था, वो पैसा पाकिस्तान आना था, वो भी हजम कर गया। तो उसके बाद फिर इन्होंने एनआरओ ले लिया, फिर आए वापस। तो मुझे ये सवाल मैं पूछता हूं कि अगर आप इनको पॉलिटिशियंस कहते हैं जो दूसरी दफा एनआरओ ले रहे हैं, तो फिर ये जो जेल में लोग हैं सबको छोड़ दें, इनका क्या कसूर है? उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे चोरी किए। और एक माशरे के अंदर अगर आप अच्छे और बुरे की तमीज ही खत्म कर देते हैं, इखलाकियाती मुल्क ही खत्म कर देते हैं, आप माशरे को तो खत्म कर देते हैं। तो मैं तो इनको पॉलिटिशियन नहीं मानता।